हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं नान खटाई। जी हाँ, मेरठ की फेमस रेसिपी है। जैसे कि आपने देखा होगा, मेरठ में मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ पर लगता है नौचंदी का मेला। बहुत ही फेमस है और हर साल लग रहा है, काफ़ी समय से, बहुत टाइम से लगता है। और यहाँ पर बहुत ही फेमस हमारी रेसिपी है, वो है नान खटाई, जो कि लोग दूर दूर से आकर इसको खाना पसंद करते हैं या फिर पैक करा कर ले जाते हैं। बहुत ही स्वाद आता है इसको खाने में। लेकिन बहुत लोग हैं जो काफ़ी दूर होते हैं और नहीं आ पाते हैं, तो आप घर बैठकर भी इसका टेस्ट ले सकते हैं, अपने आप बनाकर, अपने हाथों से बनाकर। शुद्ध देशी घी से हम निर्मित ये नान खटाई तैयार कर रहे हैं, तो चलिए आप भी बना लीजिए और इंजॉय कीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेज़र कर लेते हैं एक कटोरी या बाउल से। तो हमने एक बाउल ले ली है या कप ले लिया है, मेजरिंग कप लिया है, ये वाले कप। हमने 2 कप ले लिया है मैदा, और इसमें हम डालेंगे लगभग 4 चम्मच हम सूजी डाल रहे हैं। आप 1 कप की भी बना सकते हैं, मुझे थोड़ी ज़्यादा बनानी है तो इसलिए मैंने 2 कप मैदा ली है और 4 चम्मच मैं ले रही हूँ इसमें सूजी, और लगभग 4 चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पर बेसन। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको हम इसमें ही हम डाल रहे हैं यहाँ पर 1 चम्मच और हाफ, यानी 1.5 चम्मच लगभग हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। ध्यान रहे, हमें यहाँ पर सोडा यूज़ नहीं करना है, हमें इसको फुलाना है, तो हम इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम साइड में रख देते हैं। अब लेंगे हम यहाँ पर जिस कप से हमने मेज़र किया था मैदा को, तो 1 कप हमने मैदा ली थी, तो हमें 1/2 कप घी चाहिए। तो मैंने 2 कप मैदा लिया, तो यहाँ पर मैं 1 कप घी ले रही हूँ। अगर आप घी ना ले तो आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, वनस्पति घी भी ले सकते हैं, जो आपको ईजी हो वो लें। लेकिन अभी क्या है कि गर्मियों में जो हमारा घी होता है वो काफ़ी मेल्ट होता है, तो थोड़ी देर आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिए तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें ऐसा ही घी चाहिए, मेल्ट हुआ घी नहीं चाहिए। और इसमें हम लगभग 1.5 कप शुगर पाउडर डालेंगे, यानी हमने चीनी ली उसको पीस लिया ग्राइंडर में डालकर, और 1.5 कप हम इसको ले रहे हैं। अब क्या करना है, हमें इसको अच्छे से चलाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी हो जाए। तो इस स्टेज तक हमें इसको चलाते रहना है मिक्स करके। तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा टेक्सचर हो गया इसका, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी घी और जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको साइड कर देते हैं, और जो हमारा मिक्स है आटे वाला वो हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो किसी स्पून से मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो सीधा हाथ से मिक्स कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप उसी से कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। सारा आटा मैंने मिक्स कर दिया है, लेकिन बाउल छोटा पड़ गया है, तो एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और उसमें हम ये सारा मिक्स डालेंगे। अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। मैंने जो घी है वो परफेक्ट लिया है, अगर कम लगे आपको, क्योंकि मैंने परफेक्ट रेशो के साथ लिया है तो डो अच्छे से बन ही जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा कम लगे तो आप 1 टी स्पून इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो ये मेरा डो तैयार हो गया है, और अब ले रहे हैं हम यहाँ पे पिस्ता और खरबूजे के बीज या तरबूजे के बीज, जो भी आप लेना चाहेंगे, या फिर काजू या बादाम को कट करके वो ले सकते हैं। और अब हम इसको बनाएंगे दो तरफ। तो अभी हमने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें हमने नमक डाल लिया है, इसके ऊपर हम रखेंगे एक स्टैंड और इसको हम प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। तो हम दोनों तरह से बनाएंगे, ओवन में भी और अपने कुकर या भगोने में भी बना सकते हैं। तो अभी हम दोनों तरीके से बनाते हैं, तो गैस ऑन कर देते हैं, थोड़ा सा डो लेंगे और उसको हम इस तरीके से पेड़ा बनाएंगे, हल्का सा पुश करेंगे और थोड़ी दूरी पर रख देंगे इस तरीके से। किसी भी प्लेट में मिक्स करके रख सकते हैं आप, जो आपके बर्तन के अंदर आ जाए, और इसी तरीके से हमें बना लेना है सारे। तो ये मैंने बना लिया है। अब एक ही स्पून से हम इसमें थोड़ा सा आप क्रॉस दे सकते हैं, कोई डिज़ाइन दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो इसमें कीजिए इस तरीके से।
और अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके ऊपर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो। हल्का सा पुश करेंगे, ज़्यादा तेज ना दबाएं वरना ये टूट जाएंगी। और ये जो हमने प्री हीट करा हुआ है बर्तन उसमें रख देंगे। और अब हम इसको लगभग 10 मिनट ढक के छोड़ देते हैं लो मीडियम फ्लेम पर, फिर हम इसको चेक करेंगे और दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। तो ये मेरा दूसरा बैच तैयार हो गया है जिसको मैं ओवन में रख रही हूँ 180 डिग्री पर लगभग 10 मिनट्स। फिर मैं इसको चेक करूँगी, अगर थोड़े कम सूखे मतलब ये बनेंगे या अच्छे से बेक नहीं होंगे तो मैं इनको थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए और रख देती हूँ। और ये अपने ओवन के ऊपर भी डिपेंड है, तो अभी हम इसको रख देते हैं ओवन के अंदर। तो नान खटाई मैंने चेक करी है, थोड़ा पास पास आ गई है, प्लेट मेरी थोड़ी छोटी थी कोई बात नहीं, लेकिन अभी थोड़ी सी ये सॉफ्ट हैं और कलर भी अभी वो नहीं आया है, तो थोड़ा सा अभी हम इनको लगभग 5 मिनट्स दोबारा बेक होने देते हैं, फिर चेक करेंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और अब हम आराम से ये प्लेट बाहर निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ध्यान रहे ठंडा होने दें वरना ये टूट जाएंगी अगर हम गर्मा गर्म इनको टच करेंगे। दूसरी तरफ हमारी ओवन में भी 10 से 12 मिनट में हमने ये तैयार कर ली हैं नान खटाइयाँ, और नान खटाइयों को थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर हम इनको चेक करेंगे और टेस्ट भी करेंगे। तो अभी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ये मेरी जो नान खटाइयाँ हैं वो तैयार हो गई हैं, आप देख रहे हैं जैसे कि, लेकिन थोड़ा डार्क कलर हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो गलती करी है वो आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैंने थोड़ी किनारी वाली प्लेट ली है, आपको बिल्कुल फ्लैट प्लेट लेनी है ताकि जो नान खटाई हैं वो एक साथ होकर चिपके ना और अच्छे से शेप आ जाए, थोड़ी ढलान से शेप थोड़ी चेंज हो गई है। बाकी बहुत ही टेस्ट अच्छा आया है और बहुत अच्छी कलरफुल भी बनी हुई है। और ये मेरी जो नान खटाइयाँ हैं ये भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई हैं, आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ गया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो ठंडे होने के बाद हम इनको 1 महीने 1.5 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, बड़े मज़े से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी कुकीज़ हैं। तो आप इस तरीके से इनको बनाए तो सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी खस्ता और टेस्टी क्रंची नान खटाई बनकर तैयार हो गई हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही बढ़िया बनी हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, थोड़ा समय लगता है लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट भी उतना ही अच्छा आता है। तो आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसको बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।